नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज। जैसा कि आप लोगों ने आज के समाचार पत्र को पढ़ा होगा, बड़े बड़े हेडिंग में लिखा हुआ है कि परिवहन विभाग में 21,700 पदों पर होगी भर्तियां। सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, ब्यौरा प्राप्त हो गया है, बस शासन के निर्देश का इंतजार है। जैसे ही शासन का निर्देश मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, भर्ती का विज्ञापन जारी करके भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। सवाल है कि निर्देश कब मिलेगा। आप लोगों ने समाचार पत्र को पढ़ा होगा, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि समाचार पत्र में सब कुछ घोलमाल है, घुमा फिरा कर सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कब तक विज्ञापन आ सकता है, कब तक शासन की अनुमति मिल सकती है, इसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। वैसे तो समाचार पत्रों में विगत 10 से 15 दिनों से मैं पढ़ रहा हूं, लगातार उसका अध्ययन कर रहा हूं, कोई ऐसा दिन नहीं बचा होगा जब नई भर्ती का विज्ञापन ना आ रहा हो। लेकिन समाचार पत्रों में, बस समाचार पत्रों में भर्ती का विज्ञापन आ रहा है, पटल पर दिखाई नहीं दे रहा है। और सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, दावे में कितनी सच्चाई है इसके संबंध में एक वीडियो में और लेकर आऊंगा, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं परिवहन विभाग की। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि समाचार पत्रों में क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि विज्ञापन कब तक आएगा। आप लोगों को बता दूं, लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में खाली पदों पर भर्ती होने जा रही है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद निगम प्रशासन ने खाली पदों का ब्यौरा तैयार किया है। निगम में का, खा, गा और घा वर्ग के करीब 21,700 पद रिक्त हैं। इन्हीं पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शासन से दिशा निर्देश मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि 12,000 बसों के संचालन और निगरानी के लिए 73,000 कर्मचारियों की जरूरत है। देखिए, जो 21,700 पद हैं, उसमें का, खा, गा और घा के पद शामिल हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा पद खाली हैं, समूह गा के पद खाली हैं। समूह गा की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी, इतना तय है। अगर विभाग के माध्यम से कराई जाती है तो आप सबको समझ सकते हैं कि क्या होगा। वैसे भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, इसके संबंध में इसी वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। कब तक जारी हो सकता है, एक संभावित जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपको बता दें कि वर्तमान में 18,000 नियत और 33,000 संविदा मिलाकर कुल 51,000 कर्मचारी तैनात हैं। इस लिहाज से 22,000 के करीब खाली पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें समूह का, खा, गा और घा के पद शामिल हैं। समूह खा के जो पद होंगे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। समूह गा के पद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। समूह घा के पद विभाग के माध्यम से भरे जाएंगे। अब सवाल है कि शासन का निर्देश कब मिलेगा। देखिए, अगर सब कुछ तैयारी हो गई है तो शासन का निर्देश दिसंबर माह तक मिल जाएगा। आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि शासन के निर्देश के बाद भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा, विज्ञापन जारी किया जाएगा। शासन का निर्देश मिलेगा, समूह गा के जितने पद होंगे, समूह खा के जितने पद होंगे, जिस बोर्ड, जिस आयोग के माध्यम से भर्ती होनी होगी, उसे अध्याचन भेजा जाएगा। उसके बाद विज्ञापन जारी होगा। तो विज्ञापन 2021 से पहले किसी भी कीमत पर जारी नहीं हो पाएगा। विज्ञापन फरवरी या मार्च के पहले जारी हो पाने की संभावनाएं बहुत कम है। अगर बहुत तेज गति से काम हुआ, बहुत तीव्र गति से काम हुआ, तो विज्ञापन जनवरी 2021 तक जारी कर दिया जाएगा, लेकिन 2020 में जारी होने की संभावनाएं बहुत कम है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, आगे कोई अपडेट इसके संबंध में मिलेगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। फिलहाल मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि योगी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप समाचार पत्रों में भर्ती मत निकालिए, पटल पर दिखाई देना चाहिए, तभी भर्ती का कुछ महत्व है। नहीं तो आज समाचार पत्रों में भर्ती आ रही है, कल को पटल पर दिखाई नहीं देगा, तो 2022 में युवा प्रतियोगी छात्र, इसके संबंध में आपको किस प्रकार से जवाब देंगे, आप समझ सकते हैं। इसलिए विज्ञापन पटल पर होना चाहिए, समाचार पत्रों में नहीं। तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाए, ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।